मुझे सुबह करीब 4:30 बजे फ़ोन आया कि कांड हो गया, जल्दी घर आ जाओ। मैंने बाइक उठाई और ससुराल के लिए निकल गया। घर में घुसते ही देखा कि मेरी साली बुरी तरह जली हुई है और तड़प रही है। मैं तुरंत ऑटो लेकर आया। हम उसे दुमका के सदर अस्पताल लेकर भागे। चाहते तो थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाएं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। हॉस्पिटल पहुंचा तो पहले इमरजेंसी वार्ड में ले गए। ज़िले के यहाँ सबसे बड़ा हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज भी है, लेकिन उसमें जलने के बाद लगाए जाने वाला मरहम भी नहीं था। मैं बाहर गया और मेडिकल स्टोर से मरहम लेकर आया। तब जाकर मेरी साली का इलाज शुरू हुआ। ये बातें हम झारखंड के दुमका में जलाई गई 16 साल की लड़की के जीजा ने बताई है। लड़की को घर में सोते वक्त 23 अगस्त की सुबह शाहरुख नाम के लड़के ने पेट्रोल डालकर जला दिया था। 5 दिन इलाज के बाद 28 अगस्त को उसने दम तोड़ दिया। इन 5 दिन में उसके जीजा दुमका के सरकारी हॉस्पिटल से रांची के रिम्स तक साथ रहे। इलाज और खर्च की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। लड़की के जीजा ने बताया कि सबसे पहले हम दुमका के सदर अस्पताल पहुँचे। वहाँ मेरी साली की ट्रेसिंग तक नहीं की गई। इसके बाद इसे इमरजेंसी वार्ड से बर्न वार्ड में ले जाया गया। यह सिर्फ कहने का बर्न वार्ड था, वहाँ सुविधाओं के नाम पर सिर्फ बेड और पंखा था। एसी लगा था लेकिन काम नहीं कर रहा था। बाकी सब कुछ नॉर्मल वार्ड की तरह था। हॉस्पिटल में सलाइन के अलावा कुछ नहीं दिया गया। जीजा से बातचीत के बाद हम उस वार्ड में गए जहाँ पीड़ित लड़की को एडमिट किया गया था। वहाँ हमें एसी ठीक मिला। इलाज करा रहे दूसरे मरीजों ने बताया कि लड़की वाला केस होने के बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट से एसी ठीक करवा दिया गया है। इलाज भी ठीक तरीके से हो रहा है। हम बर्न वार्ड में मरीज से बात कर रहे थे, तभी हॉस्पिटल सुपरटेंडेंट वहाँ आ गए और एसी चेक करने लगे। हमने पूछा, सर एसी ख़राब था क्या पहले, अभी ठीक करवाया है क्या? उन्होंने जवाब दिया, कुछ दिनों में एसी की सर्विसिंग होती रहती है, एसी ख़राब थे इसलिए ठीक कराए गए हैं। तब हमने पूछ लिया कि ये ज़िले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज भी है, लेकिन पीड़ित लड़की को यहाँ मरहम तक नहीं मिला। इस पर उन्होंने कहा कि मरहम रहता है लेकिन कुछ चीज़ें कम होती हैं। जिस जगह इलाज हो रहा था वहाँ मरहम नहीं था। पहले दिन घाव को खुला रखा गया था, पट्टी नहीं बांधी गई। दुमका के सर्जन डॉक्टर शशि कुमार ने लड़की का शुरुआती इलाज किया था। उन्होंने बताया कि जब उसे लाया गया वह 90% जली हुई थी। हमने अपनी कैपेसिटी में प्रोटोकॉल के हिसाब से इलाज शुरू किया। बर्न केस में सबसे ज़रूरी होता है फ्लूड सर्कुलेशन। हमने 12-13 स्लाइन दी। सुबह करीब 10 बजे परिवार वालों को बता दिया गया कि इस केस में इलाज के लिए रांची जाना होगा। दुमका में इलाज की कम सुविधाएं होने की वजह से डॉक्टरों ने लड़की को रांची के लिए रेफ़र कर दिया। इससे उसके परिवार वालों को सामने नई मुसीबत आ गई। इलाज के लिए पैसे नहीं दें, एम्बुलेंस के लिए कहां से लाते। हालांकि इस तरह के केस में हॉस्पिटल मैनेजमेंट को तुरंत एम्बुलेंस का इंतज़ाम करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़की के परिवार ने बताया कि हम रिश्तेदारों और दोस्तों को फ़ोन करके पैसे इकट्ठे करने लगे। रांची जाने से पहले कम से कम 10,000 रुपये तो पास में होना ज़रूरी था। ये सब करते करते शाम को 5 बज गए। फिर भी जितनी ज़रूरत थी उतने पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए। फिर भी कुछ नेताओं को फ़ोन किया, उनकी मदद से हमें एम्बुलेंस मिली और रात करीब 10 बजे हम दुमका से रांची के लिए निकल पाए। 24 अगस्त की सुबह तक हादसा हुए 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके थे। पीड़ित लड़की अब झारखंड के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स में थी। कुछ देर की कागजी कार्रवाई के बाद लड़की को भर्ती लिया गया। ट्रीटमेंट शुरू हुआ करीब 28 घंटे के बाद रिम्स में उसकी ड्रेसिंग की गई, ज़रूरी दवाएं दी गई। लड़की के जीजा बताते हैं कि सोशल मीडिया पर लड़की का वीडियो है जिसमें वह शाहरुख को इस तरह तड़पाने की बात कह रही है। ये वीडियो 24 अगस्त को पहले ड्रेसिंग के बाद का ही है। उस दिन उसकी हालत में काफ़ी सुधार आया था, उसकी जलन कम हो गई थी, उस दिन उसने खाना भी ठीक से खाया। अगर यही ड्रेसिंग पहले ही दिन हो जाती तो शायद रिकवरी अच्छी होती। दुमका हॉस्पिटल से रिम्स में पहले ही बता दिया गया था कि सीरियस केस आ रहा है, फिर भी तैयारी के नाम पर मैनेजमेंट ने कुछ भी नहीं किया। पीड़ित परिवार के मुताबिक हॉस्पिटल में जले के इलाज के लिए ज़रूरी दवाएं भी नहीं थी, हमें ज़्यादातर दवाएं बाहर से अपने खर्च पर लानी पड़ी। हम रिम्स के बर्न वार्ड में भी गए, कई मरीज अभी भी वहाँ पर भर्ती हैं। वार्ड में एसी लगे हैं लेकिन उनसे ठंडी हवा नहीं आती। लंबे वक्त से एसी की सर्विसिंग नहीं की गई। लड़की के परिवार ने बताया कि रिम्स के वार्ड में इतनी गर्मी थी कि लड़की को बहुत जलन हो रही थी, हॉस्पिटल के पंखे हवा नहीं दे रहे थे,
इसलिए हमने बाजार से 1000 रुपए का टेबल फैन खरीदा। पहले ड्रेसिंग के बाद लड़की की स्थिति में सुधार आ रहा था। डॉक्टरों ने हर दूसरे दिन ड्रेसिंग करने के लिए कहा था। 26 तारीख को लड़की की दूसरी ड्रेसिंग होने वाली थी। उसके पहले ही बेटी की तबीयत बिगड़ने लगी। रिम्स हॉस्पिटल में लड़की का इलाज करने डॉक्टर शीतल मालुआ ने बताया कि बर्न केस के ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल होता है। अगर कोई मरीज 60 से 65% जला है तो उसे कितनी स्लाइम और कितनी एंटीबायोटिक्स देनी है, इसका पूरा कोर्स है। बर्न पेशेंट हॉस्पिटल आता है तो सबसे पहले काम है वॉशिंग और क्लीनिंग। इसके बाद फौरन उसकी ड्रेसिंग की जाए ताकि जल्द घाव भरना शुरू हो और मरीज को जलन कम हो। दुमका के हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं किया गया, न ठीक से जले हिस्से की क्लीनिंग की गई, न ही प्रॉपर ड्रेसिंग हुई, मरीज की ठीक से केयर भी नहीं की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।